नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दोस्तों, हरियाणा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है क्योंकि 19 तारीख को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और 21 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है प्रचार को लेकर। सत्ताधारी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से सत्ताधारी बीजेपी का सामना करे। इसके साथ ही इनेलो हो चाहे अन्य क्षेत्रीय दल हो, उनके लिए भी ये चुनाव काफी अहम है। ऐसे में क्या कुछ दृश्य है हरियाणा चुनाव का, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो हमारे साथी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मनोज धारीवाल जी और सुभाष चंद्र जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस चुनाव को देखते हैं। सबसे पहले सुभाष जी से बात करेंगे। सुभाष जी, ये जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। तमाम बड़े नेता मैदान में बीजेपी के उतर रहे हैं प्रचार के। आप किस तरह से देखते हैं, बीजेपी क्या अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, गढ़ बचाने और प्रतिष्ठा का सवाल हम इसे नहीं कहेंगे। बीजेपी इस बार जो जीत का आंकड़ा और जीत का जो मार्जिन है वो काफी बड़ा लेकर चल रही है। 90 विधानसभा सीटें हैं। मुख्यमंत्री हर रैली में जिस जगह पर गए हैं, बार बार टारगेट ले रहे हैं मिशन 75 प्लस से पार का। और इस बार आंकड़ा बीजेपी का ऐसा दावा है कि 75 सीटों से ज्यादा वो जीतेंगे। जींद उपचुनाव की बात करें या फिर हरियाणा में हुए नगर निगम चुनाव की बात करें, बीजेपी की एक लहर देखने को मिली है। कई बड़े आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, उसके बावजूद बीजेपी का एक अभी भी जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, पार्टी के नेताओं में है। खुद प्रधानमंत्री रैली कर चुके हैं, पार्टी के अध्यक्ष रैली कर चुके हैं, मुख्यमंत्री ने पूरे प्रचार की कमान संभाली है। ऐसे में बीजेपी के लिए मिशन 75 प्लस इतना मुश्किल नहीं लग रहा है जैसा कि, क्योंकि विपक्ष इस वक्त टूटा हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो इनेलो से अलग होकर जेजेपी अपना एक अलग रास्ता बना चुकी है, कांग्रेस की टूट पूरे सड़क पर सबने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। तो ऐसे में अब बीजेपी एक मात्र ऐसी पार्टी लग रही है, दिख रही है, जो लगता है कि आंकड़ा उसके लिए 75 प्लस को पार करना मुश्किल नहीं दिखता है फिलहाल। तो सुभाष का कहना है कि बीजेपी ने 75 प्लस का जो नारा दिया है, उस आंकड़े को पार करना बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। हम मनोज से इस बारे में बात करेंगे। मनोज, आप किस तरह से देखते हैं 75 प्लस का जो नारा बीजेपी ने दिया है? अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव को भी देखें, 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती और काफी मत प्रतिशत बेहतर रहा, 50% से भी ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि 75 प्लस का जो नारा बीजेपी लेकर चल रही है, उसे वो पूरा कर पाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो बीजेपी 75 प्लस का नारा लेकर जो चल रही है वो 75 प्लस नहीं जा पाएगी, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ चौधरी ताऊ देवीलाल के टाइम पे हुआ था जब उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो 75 प्लस सीटें लेके गए थे। तो उस तब का और अब के उसमें बहुत मार्जन है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि पहले काम को लेके या अपने व्यक्तित्व को लेके या फिर अपने अपने परिवार को साथ लेके चलते थे, जो कि अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जो है बीजेपी अपना जो लेके चल रही है, जो जैसे कि युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी मकसद करनी पड़ रही है, नौकरियों में भी धांधलेबाजी भी बता रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि 75 प्लस नहीं जा सकती है। आप बिल्कुल, सुभाष कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जो ग्राउंड के मुद्दे वो बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 5 साल में किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, चाहे कांग्रेस हो। बहुत छोटे लेवल पर प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन पार्टी की अपनी गुटबाजी सामने रही है। जी, अशोक तंवर के साथ क्या उनके बड़े जो लीडरशिप है वो साथ दिखी? नहीं दिखी। चुनाव से पहले इनकी पार्टी की लीडरशिप को बदल दिया गया। जेजेपी और इनेलो में परिवारवाद सबने देखा है। अभी जेजेपी अपनी एक चुनौती उसके सामने है। लोकसभा चुनाव के बाद पहला ऐसा चुनाव है जब बीजेपी जेजेपी को, कांग्रेस को और इनेलो को, खुद को अपने आप को साबित करना है। विधानसभा चुनाव में अपना एक होम स्टेट इन लोगों को बचाना है। पार्टी की टूट के बाद अब तीनों पार्टियों के सामने पहला विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद जब एक टूट फूट के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, इनको अपने आप को साबित करना है। जनता के मुद्दे गायब हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो। अभी तक किसी भी रैली में
जम्मू कश्मीर की धारा 370 को छोड़कर अगर कोई बात करें ना तो वो किसी भी रैली में ऐसी सुनाई दी गई है। जो विपक्ष है वो टारगेट कर रही है सरकार को कि हम टक्कर में हैं, लेकिन जो सरकार बता रही है कि टक्कर में कोई नहीं है, सरकार पूरे दम में है। मनोज, ये जो सुभाष कह रहे हैं कि जो जमीनी मुद्दे हैं वो तो चुनाव में है ही नहीं है, कश्मीर और 370 के ही इर्द गिर्द अगर बीजेपी की खास तौर पर बात करें तो वो इस चुनाव को इन मुद्दों की ओर लेकर के चल रही है, जैसा कि पिछले राज्यों में भी देखने को मिला है, और विपक्ष लगातार आरोप भी लगाता है बीजेपी पर कि भाजपा राष्ट्रवाद और इस तरीके के मुद्दों को चुनाव में ज्यादा भुनाने की कोशिश करती है, चुनाव का रुख उस ओर मोड़ देती है, और जो जमीनी मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इस चुनाव में क्या आपको लगता है कि ये 370 हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, ये हावी रहेगा और जमीनी मुद्दे इस बार भी पीछे रह जाएंगे? वैसे जनता ने मन बना रखा है 370 जो हटी है, 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, ना कि हरियाणा से हटी है, क्योंकि हरियाणा में लोगों बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 370 से उनको लेना देना नहीं है, क्योंकि 370 सिर्फ पूरे देश के लिए है, पूरे देश ने साथ दिया है, ना कि हरियाणा में जो चुनाव प्रचार जो चल रहा है वो 370 को आगे किया जा रहा है, जिससे बीजेपी आगे अपनी सीटें बढ़ा सके, और जिससे बेरोजगारी है और किसानों का मुद्दा है, और इनको ये कहीं दिखने में भी नहीं दिख रहे हैं। तो मनोज, आपका कहना है कि जमीनी मुद्दे दिखने में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सुभाष मैं जानना चाहूंगा कि कितना असर रहेगा जमीनी मुद्दों का, जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो 370 हो, कश्मीर का मुद्दा हो, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में आगे लाए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है बीजेपी सफल होगी इन मुद्दों के सहारे 75+ का आंकड़ा पाने में? देखिए, हरियाणा पूरी तरह से इस वक्त चुनावी समर में है। पहला सवाल ये है कि क्या ऑप्शन है। कांग्रेस की जो लड़ाई है, जो पार्टी की लड़ाई है, वो सड़क पर है। परिवार की लड़ाई जो इनेलो की है, जेजेपी की लड़ाई है, वो सड़क पर है। इनेलो और अगर हम जेजेपी की बात करें तो इस वक्त दोनों के सामने स्थिति एक है। इनेलो में कोई बड़ा चेहरा नहीं है अभय चौटाला को छोड़ दिया जाए तो, और जेजेपी की बात करें तो उसको साबित करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से एक एक तरफा सारी फाइट रही है। अभी पार्टी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको अपनी पार्टी की लड़ाई छोड़कर, घरेलू लड़ाई छोड़कर साबित करना है। जनता जानती है कि इस वक्त उनके लिए ऑप्शंस ज़्यादा नहीं खुले हैं। कांग्रेस लीडरशिप के सामने बड़ा चेहरा कौन है? अशोक तंवर कह रहे हैं कि वो 75 पार करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे अभी तक स्थिति नहीं है। कहा जा रहा है कि वो जेजेपी को समर्थन देंगे। तो कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक तंवर, जो 5 साल तक कांग्रेस की हरियाणा में कमान संभालते रहे हैं, वो आज चुनावी पूरे चुनावी माहौल में एक हफ्ते पहले अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो वो लोगों के लिए भी, वो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और जनता समझ रही है कि इस वक्त ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन बीजेपी है। बीजेपी मुद्दे की बात कर रही है या नहीं कर रही है, जनता का फैसला है, वोट उन्होंने देना है। रोजगार की एक मांग लंबे वक्त से होती रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने चोट की है। भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है, वो जनता जानती है। पब्लिक कितना उस पर डिफाइन कर पाएगी वो वोट के जरिए करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर बार बार सरकार ये कह रही है, दावा कर रही है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, नौकरियों को हमने युवाओं तक पहुंचाया है, हर एक आम आदमी जो जिसे हम बोलते हैं कि सब पहले कहा जाता था कि जुगाड़ से नौकरियां मिलती हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री हर रैली में कह रहे हैं कि अब जुगाड़ से नहीं, उनके स्किल पर नौकरियां मिल रही हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ये अभी वोट के जरिए पता लगेगा। जनता इसको साबित करेगी या जनता इसका जवाब देगी वोट के जरिए, लेकिन ऑप्शंस नहीं है जनता के सामने ज़्यादा। मुझे जो नज़र आता है ग्राउंड पर वो ये है कि बीजेपी अगर इतनी ज़्यादा सीट मार्जिन लेकर दावा कर रही है 75+ का, तो जनता इसको भांप रही है कि क्या है। 10 सीटों का आंकड़ा ऐतिहासिक जीत है बीजेपी के लिए हरियाणा में, और क्योंकि उस वक्त मोदी वेव था, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी वेव है, क्योंकि ये चुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि बीजेपी की हिराज में आरक्षण, जाट आरक्षण का प्रदर्शन पूरे हरियाणा ने देखा है, गुस्सा देखा है, लेकिन उसका कोई असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। रोजगार को लेकर प्रदर्शन हुए हैं, कंप्यूटर टीचर्स को लेकर प्रदर्शन हुए हैं, तमाम तरह के एलिगेशन विपक्ष ने लगाए हैं।
मुझे नहीं लगता है कि घेराबंदी विपक्ष 5 सालों में हरियाणा की मनोहर सरकार की तरह से ढंग तरीके से सही तरीके से कर पाया है। बिल्कुल सुभाष, आपने जैसे कहा विकल्पहीनता की कमी, तो निश्चित तौर पर भाजपा को इस बात का भी पूरा फायदा इस समय मिलता हुआ दिखता है, चाहे वो हम केंद्र की बात करें या राज्यों की बात करें, कि विपक्ष एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने अपना चेहरा नहीं रख पाया है, अपने अंदरूनी कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रहे विपक्ष के नेता। ऐसे में जैसा कि आपने भी कहा कि अगर सरकार में कुछ कमियां भी हैं तो जनता के पास विकल्प क्या है, जनता इस बात को भी देख रही है कि एक मजबूत सरकार तो हमें मिली हुई है, अगर विपक्ष के ऐसे बिखरे हुए लोग, अगर अपनी ही गुटबाजी में उलझे हुए लोग सत्ता में किस तरीके से जनता के लिए काम कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। हम मनोज से इस पर बात करेंगे। मनोज, ये जो सुभाष कह रहे हैं कि विपक्ष तो बिखरा हुआ है, वो जनता को मजबूती से कोई संदेश ही नहीं दे पा रहा, ऐसे में जनता क्यों उन्हें चुनेगी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि अभी मेरे साथी सुभाष जी ने बताया है कि चुनावों से पहले भी हमारे आरक्षण के विरुद्ध जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, दूसरा गेस्ट टीचरों का जो प्रदर्शन हुआ, तो जैसे सुभाष ने भी कहा और हम सब ने भी देखा कि इन आंदोलनों के बावजूद जो भी इलेक्शंस हुए उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं दिखा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती और वोट का मार्जिन भी 58% रहा है, जो आंकड़े हैं। विपक्ष तो बिल्कुल हाशिए पर आ गया इन चुनाव में। अगर आप जिन आंदोलनों की बात करें उनका प्रभाव रहा, तो इन चुनाव में उसका प्रभाव दिखना चाहिए था, वो तो दिखा नहीं है। विधानसभा आते आते ऐसा क्या आपको लगता है कि असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर था, अब नहीं है। अब मोदी फैक्टर नहीं है, अब सिर्फ सीएम पद पे उम्मीदवार के लिए है, क्योंकि हरियाणा की जनता चाहती है सीएम जाट हो, क्योंकि मोदी चाहता है कि हरियाणा की जनता हरे को चुन के विधानसभा में पहुंचाए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी का, पर हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा का सीएम ही जाट हो। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं कि जनता ऐसा चाहती है, लेकिन अगर चुनाव में जनता इस बात को नकार रही है और बीजेपी की इस व्यू को, जो कि आप कह रहे हैं कि गैर जाट जो लोग हैं उनको बीजेपी प्रमोट कर रही है और जनता उस पर मुहर लगा रही है, तो इस विधानसभा चुनाव में ये बदलाव आप किस आधार पर देखते हैं कि ये जो भी तमाम बीजेपी की कोशिशें हैं वो असफल होंगी और जो उनकी गणित है वो फेल हो जाएगी? ये तो चुनाव और वोट पड़ने के बाद ही पता लगेगा कि आगे सीएम किसको बनाना है या आगे किसको बढ़ाना है। सुभाष, मनोज जो कह रहे हैं कि जनता जाट बिरादरी से चाहती है सीएम और बीजेपी गैर जाट बिरादरी को प्रमोट कर रही है, इन तमाम बातों को जो कि चुनाव में विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, वो गाय बगा ऐसी बातें भी हो ही रही हैं प्रचार के दौरान, भले ही गुपचुप तरीके से हो या खुल करके हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है, हर राज्य में होता है, जातिगत आधार पर अपनी बात समझाने की कोशिश की जाती है। आप कितना सहमत हैं मनोज की इस बात से और कितना प्रभाव देखते हैं इस बात का? ये हरियाणा के सियासत को अगर समझें तो जातिवाद का जो एक वोट बैंक है वो बड़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें नहीं दिखा है कि कहीं लोकसभा चुनाव में पूरे देश में नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का एक बड़ा फैक्टर देखा गया है। इस बार के चुनाव में सिर्फ डेवलपमेंट पर ये चुनाव हो रहा है ऐसा सरकार कह रही है। सरकार विपक्ष को टारगेट नहीं कर रही है, हमने जितनी भी रैलीज देखी हैं चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, क्योंकि अमूमन होता क्या था, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप ये तमाम टारगेट करते थे रॉबर्ट वाड्रा या कांग्रेस की लीडरशिप को, जमीन आवंटन घोटाले को लेकर इस तरह के जमीन घोटालों को लेकर कांग्रेस को घेरा गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने, 5 साल हो गए हैं, विकास कितना हुआ, जनता क्या चाहती है, जनता जाट नेता चाहती है या जाट नेता नहीं चाहती है, फैसला जनता को करना है। लेकिन अभी मुझे ग्राउंड पर कहीं भी जो ये कास्टिज्म का फैक्टर है, वोट फैक्टर है, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे जो दिख रहा है बीजेपी का, जो जैसा प्रॉमिस बीजेपी का है, वो दावा कर रही है कि उनके लिए उन्होंने विकास किया है, अगले 5 साल में वो और विकास करेंगे, लेकिन इंटरनल फाइट जो ओपोजिशन की है वो पहले साबित उनको अपने आप को करना है, ओपोजिशन को साबित करना है। जनता देख रही है, जनता को ढेरों उम्मीदें सरकारों से है, सरकारों का काम है उनके लिए पॉलिसीज बनाना, लेकिन जनता के लिए क्या 5 साल में पॉलिसीज बनी या अगले 5 साल में पॉलिसीज बनेंगी, विपक्ष को भी उतना ही जवाब देना है जितना मनोहर लाल मुख्यमंत्री को जवाब देना है, जितना बीजेपी की सरकार को देना है।
सबको जवाब देना है, हर एक नेता को जवाब देना है, और इसीलिए ये इलेक्शन हो रहे हैं। और इस चुनाव में जनता वो सबक सिखाएगी कि आप 75+ बार होगा या फिर ये लोग अपनी इंटरनल फाइट से आगे बढ़ेंगे। अब जनता इनको बताएगी कि वो वोट की जो ताकत होती है वो जनता अब इनको दिखाने वाली है। अच्छा, अभी एक आपने भी बात कही मोदी फैक्टर की, बात हम देखते हैं हर राज्य में बीजेपी की अगर चुनावी रणनीति है तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। हरियाणा में आप क्या देख रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता है कि मोदी फैक्टर कहाँ से आता है। 2014 में मैं समझ सकता था, 2014 के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा के उपचुनाव हुए, प्रधानमंत्री ने खुद जाकर रैली की। इस बार भी कहा जा रहा है मोदी फैक्टर है, हो सकता है मोदी फैक्टर है, लेकिन नजर नहीं आता है। चार रैलियां हैं तीन दिन में चार रैलियां और 90 विधानसभा सीटें हैं। तो बीजेपी की एक लीडरशिप है, उसने एक प्रचार किया है। प्रधानमंत्री मोदी का मुझे ऐसा कोई विजिट याद नहीं है जब उन्होंने कोई चुनावी रैली की हो, डेवलपमेंट को लेकर, केएमपी एक्सप्रेसवे का या फिर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने उद्घाटन जरूर किया हो, लेकिन मुझे ऐसा चुनावी रैली याद नहीं आती जब 5 साल में प्रधानमंत्री ने अपना ऐसा कोई यहाँ पे कार्यक्रम किया हो। चार रैली अभी वो चुनावी कर रहे हैं, अभी एक हफ्ते बाद चुनाव है, तो फैक्टर जरूर हावी है, लेकिन चुनाव की पूरी कमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी का चेहरा है, उन्हीं के नाम पर ये चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी अगर ये चुनाव हारती है या फिर अगर ये 75+ का आंकड़ा जीतती है तो मुझे लगता है क्रेडिट जाएगा सारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और खुद अमित शाह को। तो आंकड़ा क्योंकि लीडरशिप, ये भी क्या एक फैक्टर है कि चूंकि बीजेपी ने एक साफ तौर पर चेहरा सामने रखा है मनोहर लाल खट्टर का और उन्हीं के नाम पर वो फिर से चुनाव मैदान में आई है, लेकिन विपक्ष ये भी स्पष्ट रूप से बताने में जनता को असफल रहा है कि उनका नेता कौन होगा अगर उनकी सरकार बनती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो विपक्ष। देखिए, विपक्ष का तो अभी मैं जैसा मैंने कहा, पहले भी कहा कि विपक्ष के सामने सिर्फ एक बड़ी चुनौती है, वो विधानसभा चुनाव बिल्कुल नहीं है। उनके सामने ये है कि वो जो पार्टी की लड़ाई है वो सड़क पर ना लड़ी जाए, पहली चुनौती उनके सामने ये है। और सरकार के सामने चुनौती ये है, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस चेहरे को उन्होंने 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी वो आरएसएस का एक चेहरा था। विपक्ष और कांग्रेस तमाम बड़े लोग ये आरोप लगाते रहे कि आरएसएस का एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है तमाम प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, तमाम जहां जहां मुख्यमंत्री बने लोकसभा के इलेक्शन के बाद आरएसएस के बैकग्राउंड के थे। अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 5 साल उन्होंने काम को समझा है, विकास किया है, अगले 5 साल वो विकास और करेंगे। अब आरएसएस बैकग्राउंड का जो सेटिंग एजेंडा, जिस पर विपक्ष टारगेट बार बार चोट करता रहा है, अब वो एजेंडा मुझे लग रहा है हट रहा है। खुद मुख्यमंत्री कई चुनावी रैली में उन्हें सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ, वो वहां पर उन एजेंडों से हट चुके हैं, अब आरएसएस वाला एजेंडा नहीं है मुझे लगता है। और मुख्यमंत्री के सामने बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न यही है कि जो डेवलपमेंट उन्होंने हरियाणा को जो प्रॉमिस किया है, क्या उसे वो पूरा करेंगे और जनता उन पर कितना भरोसा करेगी, क्योंकि सरकार ने काम किए हैं वो जनता आकलन करने वाली है। तो वो अभी मुझे लगता है कि सारा का सारा दारोमदार जनता के हाथ में है। तो हमारे सहयोगी सुभाष का कहना है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का जो चेहरा है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो भी अपने सरकार का कामकाज रहा है, उनका जो जनता से वायदे किए थे, जो विकास के काम उनकी सरकार ने किए हैं, उन्हें लेकर जनता के बीच में है। और विपक्ष जो है वो कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि वो अब अंदरूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। और दूसरी ओर हमारे साथी मनोज ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो इस विधानसभा चुनाव में हावी रहेंगे और बीजेपी 75+ का जो नारा दे रही है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि सुभाष कह रहे हैं कि ये तो जनता के हाथ में है और जो मूड फिलहाल वो जनता का देख रहे हैं, विपक्ष की कमजोरी बीजेपी को फायदा दिलाती हुई दिख रही है और सत्ता में वापसी के आसार लग रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। तो ये कुछ आकलन है फिलहाल इस चुनाव को लेकर के, जिस पर हमने चर्चा की। अब ये तो जनता ही जानती है और जनता ही बताएगी कि 21 तारीख को जब मतदान होगा कि उसने किसे वोट किया है, जब 24 को मतगणना होगी उस समय पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ गई है। तो दोस्तों, हरियाणा चुनाव पर आज की चर्चा में बस इतना ही। आगे भी हम इसी तरीके से आपको हरियाणा चुनाव से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए TDC न्यूज़।